हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों मैं आ चुका हूं आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वाला वीडियो शूट करने के लिए। होम डेकोरेशन का जो भी कलेक्शन है ना, मतलब अहमदाबाद का जो मानेकशॉ का रतन पुल देख लूँ, यहाँ पे ये रतन पुल का बोर्ड लगा हुआ है, इसके बिल्कुल सामने जो मार्केट है ना, बहुत ही मतलब अच्छा अच्छा आप लोग को होम डेकोरेशन का टोटली ऐसे कलेक्शन मैं दिखाने वाला हूँ। तो आप लोग मेरे साथ बने रहना और चलते रहिए, टोटली वहाँ पे चलते हूँ और उसके बाद टोटली जो भी कलेक्शन मैं आप लोग शेयर करता हूँ। तो आप लोग देख लो, मैं आ चुका हूँ होम डेकोरेशन का टोटली कलेक्शन आप लोग के साथ मैं शेयर करने वाला हूँ। उसके पहले मैं थोड़ा बहुत जो मार्केट के अंदर जाने की जो रास्ता है ना वो दिखा दे रहा हूँ। रतनपुर और मानिक चौक के बीच में जो रास्ता पड़ता है वहाँ से, यहाँ पे देखिए रोज इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था, मैंने बोला इसका क्यों ना लिया जाए फोटो एक या फिर थोड़ा बहुत वीडियो। यहाँ पे देखो, अगर अभी शादी का मतलब वेडिंग का सीजन चल रहा है, शादी का सीजन चल रहा है ना, तो यहाँ पे हल्दी का टोटली जो रस्म का है ना, सिंगर की बात करो, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सस्ते में पड़ता है। और ये देखो मैं आ चुका हूँ जो मार्केट है होम डेकोरेशन का, वो वाला मार्केट पे आ चुका हूँ। ये मार्केट बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, मतलब आप सोच नहीं सकते हो कि इतना अच्छा इतना बढ़िया मार्केट, बहुत ही इंटरेस्टिंग वाला मार्केट है ये। मतलब आप लोग इतना अच्छा मार्केट शायद इसके पहले नहीं देखे होंगे। मतलब यहाँ पे टोटली मतलब कलेक्शन की बात करूँ ना, बहुत ही अच्छा अच्छा कलेक्शन है। मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगा, मैं डायरेक्ट आपको लेके ही चलता हूँ, तो ही आप लोगों को पता चलेगा। देखो मैं मार्केट के अंदर जा रहा हूँ, यहाँ पे देखो हर एक जो चीज़ है ना, मतलब बहुत ही ज़्यादा सस्ते में पड़ता है, बहुत ही बिल्कुल होलसेल भाव में मिलेगा। मतलब आप रिटेल में ख़रीदना चाहते हो ना, रिटेल में ख़रीद सकते हो, लेकिन बिल्कुल होलसेल भाव में यहाँ पे मतलब टोटली जो भी आप कलेक्शन देख रहे हो होम डेकोरेशन की बात करो, क्योंकि अभी शादी का सीजन चला है ना, तो शादी का टोटली कलेक्शन यहाँ पे आप लोग को मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल सस्ते में मिलेगा। मतलब आप सोचो ये जितने भी आप देख रहे हो ना, मतलब इतना भीड़ क्यों है, इसी के लिए भीड़ है कि यहाँ पे टोटली जो भी कलेक्शन है बहुत ही ज़्यादा सस्ते में पड़ता है। और यहाँ पे चलो मैं एक शॉप पे लेके जाता हूँ, वहाँ पे बहुत ही अच्छा अच्छा कलेक्शन है। मैं और लेट ना करते वो शॉप पे आ चुका हूँ। देखो मैं ये वाला शॉप की बात कर रहा था, यहाँ पे जो अंकल बैठे हैं ना, इनका मैंने पहले भी वीडियो बनाया था राजू भाई का, तो इनका शॉप पे आप लोग जरूर आना। तो इनका शॉप भी आप लोगों ने देख लिया ना, जय माता जी वाला जो शॉप है ना, बहुत ही अच्छा और बहुत ही सस्ते। यहाँ पे इनके बाद आप पूजा पाठ की बात करो या फिर होम डेकोरेशन की बात करो, शादी की बात करो, मतलब टोटली कलेक्शन यहाँ पे ज़बरदस्त कलेक्शन है। मैं एक एक करके आप लोग के साथ सब शेयर करने वाला हूँ। और इन सब का प्राइस की बात करो तो ओनली फॉर सब 100-150-200 से चालू होता है। इसके बाद आप लोग ही पता है कि थोड़ा बहुत ऐसे भाव ज़्यादा भी होता है, मतलब जैसे आप लोग बेटर ढूंढने जाओगे ना उस टाइम पे, नहीं तो ऐसे नॉर्मली भाव की बात करो ना, प्राइस की बात करो तो 100-150-200 में पड़ता है। ये सब देखो कितना अच्छा लग रहा है ना, मतलब लाजवाब है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। आप लोग सोच नहीं सकते हो कि इतना अच्छा। यहाँ पे एक मुझे चीज़ दिखाया, पता है शादी का जो कार्ड है ना, उसका जो बॉक्स है ना वो दिखाया। ये देखो ये गाने के साथ था, गाना का कॉपीराइट की वजह से मुझे ये थोड़ा ऐसे म्यूट करना पड़ा, बाकी ये मतलब सेम है, ज़बरदस्त है। पत्रिका देख लो, ये देखो लगन पत्रिका, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वाला है। और ये सब बिल्कुल सस्ते में पड़ा है, मतलब आप लोग सोच नहीं सकते हो, यहाँ पे आप लोग ज़रूर विजिट कीजिएगा। देखिए ये अंकल को शायद आप लोग पहचानते हो, इस मेरे पहले का वीडियो में भी ये अंकल ने बहुत मुझे हेल्प किया था सब कुछ ऐसे दिखाने में, कलेक्शन दिखाने में, तो इस बार भी ये अंकल दिखा रहे हैं, बहुत ही अच्छे हैं। नेचर वाइज की बात कर तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। और ये सब सब जो भी दिखा रहा है ना, 150-200 वाला दिखा रहा है, मतलब ये सोचो इतना अच्छा अच्छा और इतना बढ़िया बढ़िया सब 150-200 रुपये पड़ता है। एक के बाद एक अंकल दिखाते जा रहे हैं और मैं कुछ ना कुछ शूट करते जा रहा हूँ। मैंने बोला चलो थोड़ा बहुत ऐसे शूट कर लेता हूँ, फिर उसके बाद मेरा सबसे जो मोटिव होता है ना आप लोग के साथ शेयर करना, क्योंकि आप लोग को भी पता है कि मैं टोटली हर एक कलेक्शन आप लोग के साथ शेयर करता हूँ, और मुझे अच्छा भी लगता है कि आप लोग के साथ कोई भी ऐसे कलेक्शन होता है ना जो अच्छा वाला वीडियो होता है, आप लोग उसको पसंद भी करते हो, ऐसा नहीं कि नहीं पसंद करते हो, क्योंकि आप लोग को अच्छा लगता है कि चलो एक एक के बाद एक जो होम डेकोरेशन की बात करूँ, हर कोई चाहता है कि अपने घर को सबसे बेस्ट सबसे सुंदर दिखाने के लिए, कि हम क्यों ना चाहें, क्योंकि हमारा घर एक मंदिर होता है और मंदिर को सजाना हर कोई चाहता है। देखो यहाँ पे जो घर के सामने ये सब लगाने के लिए दरवाजे के सामने, बहुत ही अच्छा है। आप लोग प्लीज़ मैं बोलूँगा आप लोग विजिट कीजिए और यहाँ पे कुछ ना कुछ कलेक्शन ज़रूर सिलेक्ट कीजिए, फिर लेके जाइए अपने घर पे, तो आप भी खुश होंगे, आपके घर वाले भी खुश होंगे। देखो यहाँ पे लिखा है जय माता जी हैंडी फर्स्ट का जो है ना, छोकरी माटे छोकरा माटे, देख लो यहाँ पे कलेक्शन क्या क्या है नहीं है। मैंने बोला चलो थोड़ा बहुत ये भी दे दो, मैं ये सब दिखा देता हूँ, तो आप लोग को टोटली पता चल जाएगा, आप लोग खुद पढ़ लीजिए ये।
देखिए फिर से आ चुका मैं दूसरे मतलब उनका जो दूसरे कलेक्शन है ना उसमें। यहाँ पे देखो जो मतलब घर को सजाने गणपति, देखो ये गणपति कितना अच्छा लग रहा है ना, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है ये गणपति। की बात कर तो बहुत ही बेस्ट गणपति है, मुझे सबसे बेस्ट लगता है ना कि भगवान को मैं बहुत ही ज़्यादा मानता हूँ और मुझे ये सब बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और आप सबको भी मुझे पता है कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। एक के बाद एक जो कलेक्शन है मैं थोड़ा थोड़ा करके दिखा रहा हूँ। मुझे लगता है कि आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को मोटिव लगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। मैंने बोला कि चलो ये सब वीडियो ऐसा होता है ना, होम डेकोरेशन की वीडियो की बात करूँगी। अभी वो हल्दी का जो शादी का सीज चल रहा है मैंने बताया था, पूजा पाठ की बात करूँ यहाँ पे टोटली कलेक्शन मिल जाएगा। आप लोग जरूर विजिट कीजिएगा अहमदाबाद मानिक चौक में, और इनके सामने इनका जो शॉप है राजू भाई का नाम का जय माता जी वाला जो शॉप है, आप लोग जरूर विजिट करना। यहाँ पे टोटली कलेक्शन बहुत ही सस्ते मिलेगा। और इन जो अंकल है ना, इनका तीन शॉप है यहाँ पे, तीन या चार होगा, तो इनके शॉप पे आप, ये भी उनका ही है कामिनी ट्रेडर्स, ये भी उनका ही शॉप है। यहाँ पे देखो एक राधा कृष्ण है जो मैंने पहले स्टार्टिंग में दिखाया था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था मुझे, मैंने उसका भी थोड़ा बहुत ऐसे वीडियो बनाया और आप लोगों के साथ शेयर भी किया है। मुझे ये देखो ये राधा कृष्ण जी की बात कर रहा हूँ ना, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। आप लोग प्लीज़ बताना आप लोगों को कैसा लग रहा है, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि कृष्ण भगवान का मैं बहुत ज़्यादा भक्त हूँ। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ आप लोग